एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहां पूरी सिटी में ये बात फैल जाती है कि ZDX टीम में एक लड़की आने वाली है युमिंग की जगह पर। और ये न्यूज़ सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि एक लड़की कैसे एक प्रोफेशनल गेमर बन सकती है। और फिर हमें तैन को दिखाया जाता है जो ZDX के घर आ जाती है और यहाँ ZDX अपनी गेम खेल रहे होते हैं। तभी डोर नॉक होता है तो फैटी शीचेन से कहता है कि जाओ, मेरा फूड पार्सल आया होगा, जाओ जाकर ले आओ। तो शीचेन यहाँ फूड पार्सल लेने के लिए जाता है और वो तैन कुछ कहने वाली थी पर उसे पहले ही उससे फूड लेकर उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देता है। और तैन को ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और यहाँ पर शीचेन वापस आता है और फैटी से कहता है कि बाहर एक डिलीवरी गर्ल थी और वो कुछ बात करना चाहती थी पर मैंने उससे कोई बात नहीं की। तो सभी लोग उस लड़की के बारे में पूछने लगते हैं। तभी उन लोगों के फोन में एक नोटिस आता है जिसमें तैन ने सोशल मीडिया पर उन लोगों को टैग किया होता है और लिखा होता है, शीचेन ने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और मेरा खाना भी मुझसे छीन कर लेकर चला गया। और यहाँ ये पोस्ट पढ़कर सभी फैंस शीचेन से सवाल करने लगते हैं और फिर सभी लोग डोर की तरफ देखने लगते हैं और फिर तैन को अंदर बुलाते हैं। और यहाँ शीचेन तैन से कहता है कि तुमने जो अभी पोस्ट की वो डिलीट करो। तो तैन कहती है कि नहीं, पहले तुम मुझसे माफ़ी मांगो, उसके बाद ही मैं वो पोस्ट डिलीट करूँगी। तो शीचेन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तब भी वहाँ पर रॉय आता है और रॉय सभी से तैन को इंट्रोड्यूस करवाता है। और यहाँ पर शीचेन कहता है कि मुझे तुम्हारा भाषण नहीं सुनना। और ये देखकर तैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने दिमाग में सोचने लगती है कि ये कितना रूड पर्सन है, इसने पहले मुझसे सॉरी भी नहीं कहा और अब कितना रूड बिहेवियर कर रहा है मुझसे। तो शीचेन उसे देखकर कहता है कि तुम क्या कह रही हो। तो फिर वो कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो वो कहता है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन को देख के लग रहा है कि तुम अपने दिमाग में कुछ सोच रही हो। तो तैन कहती है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं सोच रही। और फिर शीचेन उससे कहता है कि तुम किससे पूछ के यहाँ पर इस कैट को लेकर आई हो। तो फिर वो कहती है कि मैंने रॉय से बात की थी। तो रॉय कहता है कि हाँ, मैंने इससे कहा था कि अपनी कैट को अपने साथ लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी कैट से। तो शीचेन कहता है कि मुझे और मेरे बच्चों को इससे प्रॉब्लम है और वो इशारा कर अपनी फिश टैंक को दिखाता है और कहता है कि ये अगर मेरे बच्चों को खा गई तो। तो तैंक कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अपनी कैट को मेरी ही रूम में बंद करके रखूंगी। और यहाँ उन लोगों की कोई आगे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो उससे पहले ही रॉय फैटी को कहता है कि जाओ इसे उसका रूम दिखा दो। तो फिर फैटी उसे वहाँ से लेकर चला जाता है और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ तैन उसके पापा से थोड़ी देर के लिए बात करती है और उसके बाद वो सोने के लिए जाती है और उसके बाजू में एक नोटबुक पड़ी होती है तो वो उसे देखने लगती है जिसमें ZDX के टीम मेंबर्स के लिए कुछ रूल्स लिखे होते हैं जिसमें लिखा होता है कि ZDX के टीम मेंबर को सुबह 8 o'clock उठ जाना पड़ता है और उसके बाद 9 o'clock उनकी ट्रेनिंग का टाइम होता है जिसमें उनको गेम खेलना पड़ता है। और ये सब पढ़ते हुए वो वहीं पे सो जाती है और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ तैन सुबह 8 o'clock उठ जाती है और फिर बाहर आकर सभी को देखने लगती है पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो फिर वो नीचे जाती है और नाश्ता ढूंढने लगती है। तभी एक मेड आती है और उसे पूछती है कि तुम कौन हो, अगर तुम किसी की गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें यहाँ से चली जाना चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम जब किसी की गर्लफ्रेंड यहाँ पर आई थी तो उसकी सैलरी में से हाफ पैसे काट लिए गए थे, इसलिए तुम किसी की गर्लफ्रेंड हो तो यहाँ से चली जाओ क्योंकि यहाँ पर गर्लफ्रेंड का रहना अलाउड नहीं है। तो तैन उससे कहती है कि मैं ZDX टीम की नई मेम्बर हूँ। तो वो मेड कहती है कि तुम तो एक गर्ल हो फिर भी। तो वो कहती है कि हाँ। और फिर मेड उससे कहती है कि तुम्हें अभी सो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर तो सभी लोग आफ्टरनून में ही उठते हैं। तो फिर वो कहती है कि ठीक है और फिर वो जाकर गेम खेलती है और सभी चीज़ों को देखने लगती है। और ऐसे ही 12 o'clock हो जाते हैं और फैटी उठकर बाहर आता है और वो अपने हाफ पैंट्स में था। तभी वो देखता है कि वहाँ पर तैन बैठी है तो वो अपने होश में आता है और भाग कर अंदर चला जाता है और यहाँ तैन उस पर बहुत ज़्यादा हंसती है। उसके बाद सभी लोग एक एक करके नीचे आते हैं और सभी उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं पर के उसे इग्नोर करता है। और सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर शीचेन आता है अपने नाइट सूट में और सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। तो फैटी कहता है कि गुड मॉर्निंग, तो तैन भी कहती है कि गुड मॉर्निंग और शीचेन उसे रिप्लाई करता है कि गुड मॉर्निंग। तभी वो देखता है कि वहाँ पर तैन भी बैठी है तो उसे शर्म आने लगती है और वो भाग कर अपने रूम में चला जाता है। तो तैन हंसते हुए कहती है कि ये सब भाग क्यों रहा है। तो फैटी कहता है कि ये तुम्हें देख कर भाग रहा है। तभी वहाँ पर युमिंग और रॉय आते हैं और युमिंग को देखकर सभी उठकर उसके पास जाते हैं। तो युमिंग तैन को देखकर उसे हाई करता है
और तैंग भी उसे हाई करती है और वहाँ पर वो लोग थोड़ी देर के लिए बात करते हैं। और रॉय सभी से कहता है युमिंग यहाँ पर थोड़ी दिनों के लिए रहने के लिए आया है, और सभी लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर रॉय तैन को लेकर दूसरे रूम में जाता है और फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है और उसे उस पर साइन करने के लिए कहता है, और तैन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर लेती है। और फिर वो लोग वापस सभी लोगों के पास जाते हैं जहाँ पर शिचैन रॉय से कहता है कि जाओ इसे लेकर शॉपिंग करके आओ। तो रॉय कहता है कि तुम ही इसे लेकर क्यों नहीं चले जाते, तो शिचैन कहता है कि नहीं मैं भी गेम खेल रहा हूँ। पर गेम खेलने के लिए उसके अपोजिट में कोई भी नहीं आता, इसलिए उसे उठकर जाना पड़ता है। और बाहर निकलने के बाद वो तैन से कहता है कि तुमने सभी से झूठ क्यों कहा कि तुमने ग्रेजुएट कर लिया है। तो तैन कहती है कि मैंने ग्रेजुएट कर लिया है और मैं 22 की हूँ। तो शिचैन उसे चिढ़ाने के लिए कहता है कि मुझे लगता नहीं है कि तुमने ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया है, मुझे लगता है कि अभी तुम जूनियर केजी की स्टूडेंट हो। तभी कोई तैंग को बुलाता है और तैंग उसकी तरफ देखती है और वो जी होता है दूसरी टीम का मिडल प्लेयर, और फिर उसके बाजू में जो होता है वो दूसरी टीम का लीडर होता है। और वहाँ पर वो तैंग से बातें करने लगता है। तो शिचैन कहता है कि तुम इसे कैसे पहचानती हो। तो तैंग उससे कहती है कि ये मेरे कॉलेज में मेरे साथ ही पढ़ता था। तो शिचैन कहता है कि ठीक है, और फिर वो कार लेने के लिए जाता है और फिर वापस आकर तैंग से कहता है बैठ जाओ वरना मैं अकेले ही चला जाऊँगा। तो तैंग जल्दी से उसकी कार में बैठ जाती है और फिर वो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। और वहाँ पर भी शिचैन तैन की हाइट को लेकर उसे चिढ़ाने लगता है। तो तैन उस पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे शॉर्ट नहीं कह सकते। तो शिचैन उसकी बातों को इग्नोर करके उसे वहाँ से ले जाता है और बाहर जाते ही उसके फैंस आ जाते हैं और वो शिचैन के साथ सेल्फी खींचने की बात करते हैं। तो शिचैन तैन से कहता है कि इन लोगों की फोटो खींच के दो, और फिर तैन उनकी फोटो खींच के देती है। उसके बाद वो लोग वापस घर आते हैं तो रॉय तैन से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए नई सीट ला दी है, और युमिंग उसे कहता है कि यहाँ पर बैठ जाओ। तो तैन कहती है कि ये सीट तो बहुत छोटी है, तो रॉय उसे उस सीट को ऊपर करके देता है और फिर उसे कहता है कि बैठ जाओ। और फिर शिचैन तैन के पीसी को देखकर कहता है कि ये सब किसने किया है। तो फैटी कहता है कि ये सब मैंने किया है, और तैन से कहता है कि क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया। तो तैन कहती है कि नहीं अच्छा है। सभी लोग वहाँ पर मस्ती करने लगते हैं और इसी के साथ हमारे सेकेंड एपिसोड का एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।